काफी समय बाद में चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि कई भाइयों को मैंने कमेंट बैक किया था कि नवंबर में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आ जाएगी, तो कई भाई पूछ रहे हैं सर आपने बोला था 16 नवंबर को भर्ती आ जाएगी तो उसका क्या अपडेट है। तो दोस्तों उसकी भर्ती लगभग कन्फर्म हो गई है, 16 नवंबर को मैंने बोला था नोटिफिकेशन आउट होगा, क्योंकि उनकी मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद क्या कन्फर्म होगा उसका हाल में दूसरे वीडियो में आपको अपलोड करिए पूरा बता दूंगा। तो भर्तियाँ जनवरी तक कई यूनिट की कन्फर्म हो गई है, अभी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा कन्फर्म अपडेट आने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। हाँ अभी इतना जरूर है कि आर्मी एमएस की भर्ती कंफर्म हो गई है, एमएस में 41,264 के फॉर्म भरने अब स्टार्ट होने वाले हैं 2 दिन बाद, तो एमएस में आप फॉर्म लगाएं। उसके साथ ही एसएससी जीडी की 84,000 कुछ वैकेंसी पास आउट होने वाली है। तो एमएस और टेरिटोरियल आर्मी में हाँ कुछ अपडेट है कि टेरिटोरियल आर्मी भी हो सके तो आर्मी अग्निवीर या आर्मी 7 साल या 10 साल तक का मौका दे दे, तो कुछ इसमें अपडेट चल रहे हैं लेकिन भर्ती कन्फर्म आने वाली है। तो जो भाई इसमें भर्ती देखना चाहते हैं वो जरूर भर्ती देखें, और किसी प्रकार का कोई कमेंट है कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछें, मैं आपको कमेंट के माध्यम से बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एसएससी जीडी में अगर 84,000 वैकेंसी, उसमें एसएससी जीडी में बीएसएफ सीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी में एसएसबी राइफल में अलग अलग वैकेंसी आने वाली है, अलग अलग मेरिट के अकॉर्डिंग आपका चयन होगा बीएसएफ में सीएसएफ में आईटीबीपी में, तो अच्छी रिटर्न की तैयारी करें ताकि आपको बीएसएफ और सीएसएफ बहुत अच्छी जॉब है वो जॉब मिले। एमईएस में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इसमें सेम फैसिलिटी आर्मी वाली है, वही सैलरी मिलेगी, वही लेकर कार्ड पेंशन सुविधा सारी मिलेगी, तो आर्मी एमईएस को भी मिस नहीं करें। और जो भाई बोल रहे हैं यार हमें तो टीए में भर्ती होना है हमारी हाइट कम है, तो भाई वो टीए की भर्ती कंफर्म है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आने वाली है, बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों। किसी चैनल पर आपको अपडेट नहीं मिला होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर लिया वेलकम भाई, जय जय भारत।